السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدسة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار

अल्लाम अला महमद वाल आल महमद का मबारक तैयार इब्राहिम अला इब्राहिम मजीद मोहतरम सामिन कराम बुज़ुर्गों दोस्तों साथियों ख़ुतिन इस्लाम और प्यारे बच्चों मैंने सूर तौबा सुर नंबर नौ की आयत नंबर अठारह पढ़ी है मेरा उनवान है मस्जिद इस्लाम की नज़र में अल्लाह रब्लम का बेानतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं अल्लाह ताली हम तमाम लोगों की हाज़िरी कबूल फरमा ले आमीन जितने भाई यहाँ आए हुए हैं सबके सब लोगों को पांच इनाम मिल गया पांचवा बाकी था वो मैंने अभी देख भी लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए पांच इनाम सब लोगों को मस्जिद में आने से मिल गया अब हम और आप मस्जिद को क्या देंगे वो बाद में बात करेंगे लेकिन हम और आप जो मस्जिद में आए हैं तो कितना इनाम मिला पांच मिल गया दलील क्या है सही मुस्लिम किताब्रब हदीस नंबर टू सिक्स डबल नाइन मजतम फ़ी बन बिल् युना किताब अल्लासून बई नज़लती वशियत उमर रहम वफ़त उमलमलाई का वज्लफ़ी मनिंदा जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है और लोग सुनते और सुनाते हैं सुकून ही सुकून उतर रहा है अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ला एक दो घंटे से मोबाइल स्विच ऑफ तो है कितनी शांति है बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे कितनी शांति है एसी में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शांति है मूड एकदम फ्रेश है कितनी शांति है है कि नहीं नंबर दो अल्लाह की रहमत ढांप लेती है हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज है नंबर तीन फरिश्ते पर बिछाए हुए जितने भाई यहां हैं जितनी बहनें हैं बच्चे लोग हैं बाबू लोग हैं सब के लिए फरिश्ते ने अपना पर बिछा दिया हम गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछाए इससे और बड़ा इनाम क्या होगा सबसे बड़ा इनाम है और इससे बड़ा इनाम वजह इंदा अल्लाह तला मलाय अल्लाह ताला अपनी मजलिस आसमान में लगाए हुए हैं हम सब लोगों का नाम ले रहे हैं मोली साहब एक आध दो लोगों का नाम ले सकते हैं और किसका नाम ले पाएंगे लेकिन अल्लाह ताला सब का नाम ले रहे हैं और आप लोग अपने मन में सोच लीजिए मेरा नाम अल्लाह ले रहे हैं जब अल्लाह हम सब का नाम ले ले इससे और बड़ा इनाम क्या होगा ये मस्जिद में आने का फायदा है और पांचवा इनाम तो बोली थी अल्हमद मस्जिद के मतवली साहब और उनकी पूरी टीम ने हम लोगों को समोसा खिलाया हम उनके शुक्रगुजार हैं और पानी भी पिलाया अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुजार हैं हम दुआ करते हैं कि जिसने खिलाया अल्लाह तो उनको खिला जिसने पिलाया अल्लाह तो उनको पिला टॉपिक है अपना मस्जिद ही के बारे में अब मस्जिद को आबाद कौन लोग रखते हैं याद रखिएगा पहले मस्जिद उसके बाद घर हम लोग क्या करते हैं पहले अपना घर बनाते हैं उसके बाद अल्लाह का घर बनाते हैं नहीं पहले अल्लाह का घर बनेगा उसके बाद अपना घर बनेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो कबा के अंदर चौदह दिन रहे तो वहाँ जाते ही पहला काम क्या किया मस्जिद कबा मस्जिद कबा मस्जिद नबी से पहले बनी है पहला काम चौदह दिन के अंदर ही मस्जिद क़बा सही बुखारी किताबू असला हदीस नंबर फोर टू एट किताब नंबर आठ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मस्जिद कबाह फिर जब मदीना गए तो मदीने में भी पहला काम मस्जिद नबी और नबी वसल्लम खुद भी मेहनत कर रहे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह देहात में आप देखिए जब मस्जिद बनती है तो देहाती सब लोग मेहनत करते हैं लेडीज भी मेहनत करती है मिट्टी उठा रही है ईंट उठा रही है ये सब है इसलिए लेडीज भी मस्जिद की सफाई कर सकती है उसके लिए भी हदीस है सही बुखारी किताबुल हदी से नंबर वन थ्री थ्री सेवन एक काला मर्द या काली औरत जो मस्जिद की देखभाल करते थे सफाई करते थे उनका इंतकाल हो गया यानी मस्जिद के खादिम साहब की कितनी बड़ी अहमियत है मस्जिद से जो भी जुड़ता है वो नंबर वन है जो भी जुड़ा नंबर वन है वो नंबर दो पे नहीं रहता और सबके लिए दलील है सिर्फ मुतवल्ली साहब के बारे में मुझे कोई दलील नहीं मिली अब तक जिसके लिए हम और आप झगड़ा कर रहे हैं जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली मुझे बनाते कि नहीं बनाते अरे भाई मुतवल्ली बनना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम है हर एक के बस की बात नहीं है एक जगह मैंने एक हदीस पढ़ी अभी वो हदीस पर रुके रहिएगा सही मुस्लिम मुसलिम किताबिल हदीस नंबर वन एट थ्री थ्री जिसको भी मैंने जिम्मेदार बनाया है अगर वो सुई के बराबर भी कोई चीज़ छुपा ली तो कल क्यामत के दिन गद्दारी होगी तो एक काले कलूटे गवर्नर थे कहीं के वो खड़े हो गए बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रिज़ाइन करता हूँ इस्तीफ़ा देता हूँ इकबल अन निया मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए बोला रहिए क्यों बोले कल मैं अल्लाह के दरबार में हिसाब नहीं दे सकता तो एक जगह मैंने ये हदीस सुनाई तो एक मुतवल्ली साहब आए मस्जिद के बोले मौली साहब मैं मुतवल्ली नहीं रहूँगा अरे भैया काहे नहीं रहिएगा ये जो हदीस है इसका मतलब वो वाकई मुतवल्ली के लायक है झगड़ा वाला नहीं है रगड़ा वाला भी नहीं है वो ज़बरदस्ती बनाया गया उसको भाई मैं कभी भी रिजाइन कर सकता हूं मेरे लिए रोड पर मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं है मेरा थोड़ा कुछ फायदा है इससे और तो मेरे भाई वो मस्जिद से जो भी जुड़ता है उसकी बड़ी अहमियत है बिलाल रजी अल्लाह तुम को हम और आप किस नाम से जानते हैं मोजिने रसूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौजिने हो खाने काबा पे चढ़ के जिन्होंने पहले अजान दी उनकी गर्दन कितनी लंबी होगी यह अलग बात है कि आज हम और आप मोहिदिन साहब की गर्दने को पकड़े रहते हैं हमेशा ये एक अलग बात है लेकिन बड़ा मकाम है उनका बड़ा मरतबा है उनका भाई इसलिए हम और आप मामूली ना समझें तो वो हदीस जो मैं सुना रहा था कौन सी हदीस थी भूल गया कोई हदीस सुनाया ना कि यहाँ रुके रही है फिर मैं आके फिर आऊँगा कौन सी हदीस थी आए पहले पहले मस्जिद उसके बाद अपना घर आबादी में भी पहले मस्जिद पहले मस्जिद और मस्जिद की बरकत से आप देखिएगा आजू बाजू का सब किराया बढ़ जाता है जमीन की कीमत बढ़ जाती है और कितने लोग बढ़ा चढ़ा के भी लेते हैं उसी वजह से लेने दीजिए कोई मसला नहीं तो मस्जिद का मसला एक ऐसा है कि जो भी जिस तरीके से जुड़ेगा उसका बड़ा फायदा है और सहावे कराम का क्या कहना उस्मान रजील्ला के नाम के आगे लगता है गनी मालदार क्यों आप में से कोई मालदार नहीं है क्या सब लोग मालदार हैं कोई बता दे कि मोली साहब मैं मालदार नहीं हूं सब लोग मालदार हैं अलहमदल्लास्मान गनी रजील्ला से भी बड़े मालदार हैं हम और आप आपको बता दू उस्मान गनी रजील्ला का अकाउंट आज भी बैंक में है सऊदी अरब में नहीं आ रही सोनी बात स्मान गनी रजी अला का अकाउंट आज भी सऊदी अरब के अंदर बैंक में उनका अकाउंट खुला हुआ है किस वजह से खुला हुआ है आ? सदका नहीं वो सब भी है सब सदका और खैरक उस्मान गनी रजील्ला वो है कि जब भी कोई ऐलान होता लेकिन मस्जिद वाले ऐलान में उन्होंने बाजाबता कहा हदीस नंबर थ्री सेवन जीरो थ्री के एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया मैश तरी फयजी दहा फिल मस्जिद कौन है जो फलाने आदमी की जमीन को खरीद कर मस्जिद में मिला दे तमाम तो साहब ने ऐलान किया ना फलाने बाज़ू में जगह है कौन है खरीद के मिला दे मिलाने के बदले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं बेखैर लहू मिन हाफिर जन्ना मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ कौन है उस जमीन को खरीद के इसमें मिला दे मस्जिद में मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ उस्मान गनी अल्लाह रजी तआला रजील्ला कहते हैं फश तरई तो हा मिनसुल बेमाली मैंने अकेले पूरी जमीन खरीदी और मस्जिद में मिला दिया अब आप बताइए आप में से कोई है ऐसा करेगा इमाम साहब मेरी तरफ से पांच हजार लिख लीजिए अब अब जो भी देगा ना तो सवाब हमको मिलेगा लिख लीजिए मेरा नाम ठीक है ये अल्लाह का घर है और मली साहब ने हदीस सुनाई ना इबनिया की सुन लीजिए हदीस सुना किताबुल मसाजिद वल जमात हदीस नंबर सेवन थ्री एट मली साहब दस कर लीजिए ताकि हमको और सवाब मिले मन बना मस्जिद लिल्लाह जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई कमफ तिन औ असगर चिड़िया के घोंसले के बराबर या उससे छोटा छोटी मस्जिद बनाई अब चिड़िया का घोंसला कितना होता है चिड़िया का घोंसला देखेंगे नहीं देखे वो छोटा है अब आप बोलिएगा मोली साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं कैसे कर लू आप कर सकते हैं पूरा नहीं कर सकते लेकिन उतना तो कर सकते भाई और एक बात और याद रखिएगा जब तक अपना पैसा न लगे माया नहीं लगता निजाम नहीं दे नहीं जब तक अपना पैसा नहीं लगेगा माया खत्म हो जाता है यानी जब अपना पैसा लगता है तो उसमें आपकी मोहब्बत बनी रहती है अपना लगा है। अपना लगा एक जुमला और कहूं अरब के लोग यहां मस्जिद बना रहे हैं अल्लाह उनको सवाब दे रहा है लेकिन दूसरे माने में उसकी अहमियत हम लोगों के नजदीक कम है कहां हम और आप उस मस्जिद की इज्जत करते हैं लेकिन जब अपना पैसवा लगा रहता तो उसमें माया ज्यादा होता भाई लगाओ इसलिए गांव घर में आप देखिएगा लोग क्या करते अगर पैसा नहीं रहता धान लाके देते गेहूं ला के देते जिससे जो होता है वो लाके देते तो जो भी वो लगाए हुआ उसकी बड़ी अहमियत है इसलिए कहा गया घोंसला और घोसले के भी छोटा जो भी लगाया उसके लिए जन्नत है अब पूरी मस्जिद बनाना दूर की बात है सिर्फ घोंसला कर दीजिए तो जन्नत लेना कितना आसान है घोंसला अब घोसले में क्या होगा भाई देखिए ये जो पूरा पंखा ना मेरी तरफ से मिसाल के तौर पर अच्छा ये जो सीमेंट का वो लगेगा वो मेरी तरफ से भाई अच्छा तो ठीक है ये चिटाई जो है पूरी मेरी तरफ से अच्छा वो जो एसी का है ना वो काम मेरी तरफ से अब आप लोग बोलिएगा अरे मोल साहब एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है खाने पीने के वांदे हैं सब क्या होगा लेकिन मुझे कहने दीजिए ये मुस्लिम कौम में शादी ब्याह में लॉकडाउन बोली नहीं रहा शादी ब्याह में लॉकडाउन नहीं है अभी तीन सौ पैंसठ आइटम सास ससुर ने एक दूल्हे मियाँ को खिलाया है यह अलग बात है कि वो लोग मुसलमान नहीं है कितने आइटम देखें वीडियो तीन सौ पैंसठ आइटम कितने बेहतरीन सदका बता दूं कौन सा है सही बुखारी किताबुज्जका हदीस नंबर चौदह उन्नीस सदकते यू सदकत आजमो अजरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंत सद्दक व अंत सहीह शहीह तक्शल फकर व तामुल गना बेहतरीन सदका तो वो है कि तुम तंदुरुस्त हो और बखीली भी हो यानी तुम्हारे अंदर माल की लालच हो फकीरी का डर हो और मालदार बनने की तमन्ना हो फिर भी निकाल के दे दो ये सबसे बड़ा सदका है अरे साहब ऐसी ऐसी हदीस आप सुना रहे हैं आप जेब से निकलवा ही लेंगे वो बाद में लिखाएंगे वो एक अलग बात है उसका छोड़िए अभी क्या भाई अल्लाह के लिए निकालना जो जेब में है इसलिए देखिएगा कितने लोग जुमा के दिन पर्स भूल जाते हैं वो आ थोड़ा क्योंकि जल्दी जल्दी में नया कपड़ा पहन के आते हैं तो पर्स ही एक भूल जाते हैं लेकिन माशाला बहुत सारे लोग पर्स लेके आते हैं ऐसा मैं नहीं बोलता कि सब लोग भूल जाते हैं अलहदुल्ला तो बेहतरीन सदका ये है तो मैं कौन सी यदि सुना रहा था आप जो भी लगाइएगा मस्जिद के लिए उसके बदले जन्नत से छोटा जन्नत छोटी चीज है बड़ी चीज है भाई बहुत बड़ा इनाम और एक बात और बता दू अपने भारत देश में भारत सरकार हॉस्पिटल बना सकती है स्कूल बना सकती है और क्या क्या कर सकती है गरीबों की मदद कर सकती है राशन दे सकती है क्या मस्जिद बना सकती है इस पर कभी आपने गौर किया मस्जिद बना सकती है कौन बनाएगा फिर हमने और आपने बनाना अल्लाह का घर है वो तो आप यहां गौर कीजिए जरा दिमाग लगाइए कितने लोग ताना देते अरे मुस्लिम लोग तो हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं स्कूल नहीं खोलते हैं अरे भाई वो तो सरकार भी बना रही है हॉस्पिटल भी बना रही है अल्लाह का घर मस्जिद क्या हुकूमत बना के देगी जवाब एक ही है नहीं तो वो बनाएगा कौन हम और आप बनाएंगे और अल्लाह हरेक का पैसा लेता भी दिमाग से हटा दीजिए अल्लाह हरेक का पैसा लेता भी नहीं है और जिसका ले लिया वो बड़ा खुश नसीब है और बताऊ आपको अपने भारत देश में दो शाहजहां ने हुकूमत की है एक शाहजहां औरत है और एक शाहजहां मर्द है अब दोनों शाहजहां ने एक बड़ी चीज बनाई है और उसमें लेडीज जीत गई है मर्द हार गया है नहीं आई बात समझ में ओ, हाँ हाँ दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई है शाहजहां ने भूल गए देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई है शाहजहां ने भोपाल की ताजुल मसाजिद किसने बनाई है भोपाल मध्य प्रदेश किसने बनाई है शाहजहां ने दिल्ली वाले मरद शाहजहां दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई और भोपाल की शाहजहां बेगम ने ताजुल मसाजिद भोपाल के अंदर बनाई और ताजुल मसाजिद दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी मस्जिद है आप भोपाल चले जाइए पुराने जमाने से रहा है अल्लाह का घर बनाने में सब लोग आगे आगे रहे एक बात और बताऊं कभी आप मालेगांव गए हैं मंसूरा जाइए वहां आप देखिएगा बड़ी मस्जिद बनी हुई है आयशा दईज आयशा नाम एक औरत है कोई कम मरी है पता नहीं आप एक देख लीजिए एक ट्रेंड और चला हुआ आयशा अल फौजान ये आयशा नाम की जो लेडी है ना अरब की ये अक्सर मस्जिद ही बनाती है ऐसा नहीं है कि वो आज जिंदा है वो पचास साल पहले मर चुकी है या सौ साल पहले मर चुकी है उसके खानदान के लोग उस औरत के नाम से मस्जिद बनाते जा रहे हैं मां बहनों से भी कहता हूं जन्नत आपने खुद बनाना एक शाहजहां बेगम जिसने ताजुल मसाजिद भोपाल के अंदर बनाई है उनके पास दौलत थी आपके पास भी बहुत सारी दौलत है आप भी बना सकती हैं और मोली साहब का आइडिया बहुत आसान है जितना जेवर मिलता है अक्सर क्या करती है लेडीज सब बुढ़ापे में उनको जेवर दे देती है जो हाथ पैर दबाए यह अलग बात है कि बाद में नट्टी भी दबा दे तो चलेगा लेकिन हाथ पैर जो दबाए जेवर उसी को मिले है कि नहीं बात सही ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईमान की रखवाली करे जेवर उनको मिले सौ साल पहले सौ साल पहले सऊदी अरब के अंदर अल कसीम बुरादा एक जगह है वहां की एक औरत है सौ साल पहले जेवर बेच के बारह रियाल में एक दुकान खरीदी मां बहनों से कहता हूं दुकान खरीदी सौ साल के बाद बारह रियाल वाली दुकान को सऊदी सौ, गवर्नमेंट ने मस्जिद के लिए क्योंकि वहीं पर वो पड़ रही थी खरीद लिया कई लाख में कई करोड़ रियाल में अब उस अल्लाह वाली ने बारह रियाल में जो अपना जेवर बचा करके दिया था सौ साल के बाद अब एक दरख्त बन चुका है इसलिए मैंने उस्मान गनी रज़ी का वाक़ सुनाया आपको कब है चौदह सौ साल पहले जो उन्होंने दरख्त लगाया है सबका खैरात वाला वो चल रहा है वो लेडी का भी चल रहा है बेहतरीन जगह है उससे जो भी पैसा आता है सबका खैरात लेकिन अपने देहात की औरतें सईत सईद के रखे हुई है निकाली नहीं रही जेवर बोले किनको देना है कोई पोती को देंगे या बेटी को देंगे या बेटे को देंगे बिल्कुल नहीं आप अपने लिए बनाइए इंशाल्लाह अब उम्मीद है ये वाकया सुनने के बाद इमाम साहब के पास हो सकता है जेवर भी आ जाए इंशाल्लाह इमाम साहब उम्मीद से हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे भाई हो ये जो है ना मस्जिद का मसला एक ऐसा मसला है कि हर एक को नसीब नहीं होता जिनको भी मौका मिल गया वो हमेशा कोशिश करता रहे कि वे करे लगा रहे और याद रखिएगा अपने यहां वो भी चल रहा है कि मस्जिद को कहीं कहीं पर तोड़ा जा रहा पता है ही आपको कहीं कहीं ये पर कलमा पढ़ने वाले भी हाथ साफ कर रहे हैं नवजबिल्ला अब उनको कहा समझाया जाए का बताया जाए कहीं कहीं बड़े मसायल पैदा हो रहे हैं ये तो जालिम लोग हैं बकरा सुरे नंबर आयत सुर बकर सौ चौदह खराब ही उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को अल्लाह की मस्जिद में आने से रोके रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है अब आप ही बताइए जिसने तोड़ दिया है उसकी हालत क्या होगी क्योंकि अल्लाह के घर को तोड़ना अल्लाह उसके घर को बर्बाद कर देगा क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह से झगड़ा मोल लेना है इसलिए मेरे भाईओ अल्लाह के घर की जो भी रखवाली करता है वो बड़ा खुश नसीब है और याद रखिएगा जितनी मरतबा हम और आप मस्जिद में आते हैं और जितनी मरतबा जाते हैं दो चीजें सही बुखारी किताबोदी नंबर सिक्स सिक्स टू जितनी मरतबा आए और जितनी मरतबा गए आप कोशिश कर लीजिए कम से कम पांच मरतबा तो हम लोग आते ही अलहमद तो पांचों मरतबा अल्लाह ताला जन्नत को हम लोगों के लिए तैयार करते हैं कि मेहमान आ रहे हैं मेहमान लोग आ रहे हैं अगर हम और आप किसी के यहां मेहमान जाए एक मरतबा गए दो मरतबा गए तीन मरतबा अरे क्या हमेशा लगाया हुआ ये सब खाने के लिए आ गए और घर पे अगर मेहमान आए तो होम मिनिस्टर से पहले पूछना पड़ता कि ये मेहमान अगर आपकी तरफ वाला है तो नो पूछना सवाल नहीं कर सकते अगर उनकी तरफ वाला समझ गए ना जैसे सालेमी आ रहे हैं सासू जी आ रहे हैं फिर इसी तरह साली आ रही हैं तो उसको पूछना नहीं पड़ता लेकिन अपनी तरफ वाला अगर कोई मेहमान आए भाई आया बहन आ गई अम्मी आ गई तो दबे लफ्जों में हेलो लेके आ रहा हूँ आ रहे हैं अगर खैरियत है तो ठीक है और अगर खैरियत नहीं है तो सामने को फोन कर देना पड़ता प्लीज बाद में आइए है कि नहीं अगर हम और आप किसी के यहाँ मेहमान जाए तो वो परेशान हो जाए लेकिन अल्लाह के घर में हम मेहमान बन के आए तो अल्लाह जन्नत को हमारे लिए तैयार रखे जितनी मरतबा आप आइए पचास मरतबा किन लीजिए पचास मरतबा आपके लिए, आप लिए अल्लाह ताला जन्नत को तैयार करेंगे तो ये एक ऐसा मसला है मस्जिद का लेकर बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं आप देखिएगा कोशिश कीजिए मक्का और मदीना की जो मस्जिद है वहां लेडीज आ रही है कि नहीं आ रही है और अलहदुल्ला इधर भी मस्जिद में आ रही है और लेडीज जिस मस्जिद में है अलहमदुल्ला एक बात मैं पते की बोल रहा हूँ एक बात मैं पते की बोल रहा हूँ लेडीज जिस मस्जिद में भी आ रही है अलहमद उस मस्जिद का चंदा भी बहुत होता है तमाम साहब सही बात है कि नहीं सही बात है जिसमें लेडीज आए माशा वो आज भी उनका दिल उनकी माँ यानी हमारी लेडीज सबकी माँ उम्मीन आयशा रजील तन और उस नाम में जो मोहब्बत है मस्जिद के नाम पर देने के लिए तैयार एक जगह मैंने ऐसी तकरीर की तो एक लेडीज ने अपना कान की बाली ही निकाल के दे दिया मोली साहब अल्लाह के लिए अब आप लोग सोच रहे हो कि मौली साहब आज भी आप निकलवाने के चक्कर में तो ये सब वाक्य नहीं सुना रहे हैं नहीं भाई जो निकालेगा अपने फायदे के लिए निकालेगा नहीं निकालेगा वो अपना जाने मोली साहब सिर्फ उभार सकते कोशिश कर सकते ये जो इतना बड़ा बोझ है जो मौली साहब ने बताया है अगर हम लोग सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो ये बोझ खत्म हो सकता नहीं हो सकता सब लोग थोड़ा थोड़ा ले, ले लेंगे तो बोझ कम हो जाएगा कि नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं अब बस एक दो वाक्य बयान करके फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा मस्जिद का मसला एक ऐसा है कि मस्जिद की इमामत करना यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इमामत करना पूरी दुनिया में अभी फिलहाल और अपने यहां तो और ज्यादा है क्योंकि अपने बैतुल बैतुलमाल का सिस्टम नहीं है कि भाई वहां से सैलरी मिले यहां तो वही है कि जो आप दीजिएगा वही है और एक चीज और अभी लॉकडाउन से मैंने एक चीज सीखी है अगर आप लोग कहें तो मैं बता दू अपनी मस्जिद में दस हजार रुपया एक इसमें जमा करना बहुत आसान है सिर्फ दस हजार रुपया ज्यादा नहीं एक जुमे में दस हजार रुपया उसके लिए मैं लोगों से मांगता हूं मस्जिद के लिए आप लोग मुझे एक चाय पिला दीजिए अब आप लोग सोचे अरे मोले साहब चाय के कितने भूखे हैं प्यासे हैं बोले चाय पिला दीजिए अरे एक चाय कितने की मिलती है दस की मिलेगी ये इधर थोड़ा जरा सस्ती होगी तो हफ्ते में कितनी चाय हो गई हफ्ते में एक दो तीन चार सात दिन में कितनी चाय पियेंगे सात चाय क्यों नहीं पीता उससे ज्यादा ही पीते हैं तो एक दिन की एक चाय आप हमको दे दीजिए और सातवें दिन लाके सौ रुपया मस्जिद के गले में डाल दीजिए तो आपके जेब का पैसा गया या आपकी चाय गई नहीं समझे फलसफा नहीं समझे आपके जेब का पैसा गया या आपकी सिर्फ एक चाय गई एक ही चाय गई है हर दिन की सिर्फ एक चाय आप कम कर दीजिए और उसको गले में डाल दीजिए सौ लोग अगर गले में एक चाय को डाल देते हैं लाके अब ऐसा नहीं कि चाय कप में लाके उझल दीजिएगा तो खराब ही ना हो जाएगा वैसा वाला मत कीजिएगा मतलब यह है कि एक चाय का पैसा हफ्ते भर जमा करके कोई लाके डाल दिया सौ लोग अगर डाल दे तो कितना पैसा होगा दस हजार एक जुमा को दस हजार दूसरे जुमा को दस चार जुमा में कितने हो गए चालीस हजार आमदनी है क्या अपनी मस्जिद की बिमुल्ला भाई अलमदुल्ला है ना यानी अपने यहां एक मरतबा बीस तक पहुंच जाता है तो अगर बीस तक जा रहा है तो कितनी आमदनी है ना? टेंशन फ्री है अलहमदिल्ला आप लोग बड़े खुश नसीब आप ये मत कहिएगा अरे मोली साहब हम लोग गरीब लोग हैं क्या करें वो करें मस्जिदों को आबाद करने वाले गरीब लोग ही होते हैं मालदारों के पास टाइम नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करें अपना बैंक आबाद कर रहे हैं और आप मस्जिद आबाद कर रहे हैं बड़े खुश नसीब है आप लोग डॉक्टर साहब को बात टेम का है? वो तो लगा लगा रहे हैं। हर दिन एक एक लाख दो दो लाख आ रहा फिर भी टेंशन से सुसाइड करके मर जा रहे हैं इतना पैसा रख के क्या कीजिएगा इसलिए आप लोग बड़े खुश नसीब है तो छोटे छोटे तरीके से भी आप आराम से अपनी मस्जिद को चला सकते हैं और कोई आदमी मामूली ना समझे कि जी मेरे पैसे से क्या होगा आपके पैसे से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन शर्त है कि आपने निकालना तो यह है मस्जिद को चलाने का एक आसान सा तरीका और मस्जिद की इमामत के बारे में मैंने कहा ही, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आसान काम नहीं है इसलिए एक जगह पे इमाम साहब अगर टिके हुए हैं दस साल पंद्रह साल बीस साल वहीं तरबियत सही होती है और अगर हर महीने निकलना है अल्लाम वालेकुम वालेकाम सूद के ऊपर बोला दूसरा पैर सीधा गेट पर अल्लाम वाले कल से ना आइएगा बेनमाज़ी के बारे में बोला अगर मुतवलिस वाकई बेनमाज़ी हैं तो ठीक है वालेकुम वालेकाम आइए आइए तो देखिए प्लीज मस्जिद से जो जुड़ा हुआ उसकी बड़ी अहमियत है उसका बड़ा अहतराम करना चाहिए अगर हम और आप एहतराम नहीं करेंगे और अगर इमाम साहब बद दे दिए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे एक हदीस सुनाता हूं सही बुखारी हदीस नंबर सात सौ पचपन रजील् बयान फरमाते हैं कि सात बिन वक् रजील गवर्नर थे तो कुछ लोगों ने शिकायत की इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता अरे सहावी और रसूल नमाज पढ़ाना नहीं आएगा बोले नमाज पढ़ाना नहीं आता बोले अच्छा तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने क्या किया अम्मा को भेज दिया कि जाइए आप रजी अल्लाह तआला अब आप गवर्नर रहेंगे सात बिन वक्कास नहीं रहेंगे वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे लेकिन एक कमेटी बैठाई कि जरा तहकीक तो करो वाकई इनको नमाज पढ़ना नहीं आता क्या तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा बिन कतादा था खड़ा हुआ बोले मैं एक बात कहूं बोले कहिए ये जो है ना ये जो है ना सात बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला तु ये जिहाद में भी नहीं जाते तकसीम भी सही नहीं करते और नमाज भी सही नहीं पढ़ाते बोला अच्छा साद बिन अल्लाह ताला ने वो सहाबी हैं कि जो दुआ कर दे अल्लाह कबूल कर ले याद रखिएगा वो खड़े हो गए कहा अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है तो मैं तीन बातें कहता हूँ अल्लाह फातिल उम्र हो इसकी उम्र लंबी कर दे वातिल फ़क्र हो इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे फितन और इसको फितने में डाल दे तीन बात दुआ कर दी अब्दुल मलिक इस हदीस के रावी हैं वो बयान करते हैं मैंने देखा कि वही आदमी जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया था इल्ज़ाम लगाने वाला एक ही आदमी होता और मालूम है कैसा इल्ज़ाम लगाते कुछ देर इमाम साहब रहेंगे या मैं रहूंगा मवरना मैं मस्जिद छोड़ दूंगा दूसरी जगह जला जाऊंगा वाह रे वाह अल्लाह के घर से दुश्मनी वाह रे वाह हटाते कि नहीं हटाते ऐसे बहुत सारे लोग होते वो क्यों ऐसा हुआ अल्लाह के घर से नाराज़गी कभी कभी कुछ लोग खानदानी लड़ाई भी लड़ते मेरे खानदान वाले ने नहीं बनाया तेरे खानदान वाले ने बनाया तो अब मस्जिद में नहीं जानेगा कहीं कहीं पर मैंने यह भी देखा अच्छा रुकू के बाद हाथ छोड़ के खड़े हुए या हाथ बांधे का है नहीं दूसरी नई मस्जिद बन गई अल्लाह बड़ी लंबी सियासत चल रही है अब रावी बयान करते हैं वही आदमी अब्दुल मलिक कहते वही आदमी मैं तो ऐसा आदमी हूं फितने में पड़ गया ये जो सात बिनवास है उनकी बदुआ मुझे लग गई है वही आदमी लंबी उम्र पाया बुरा हो गया ये भऊ है ना भऊ भऊ के बाल सीधे आंखों पर लटक रहे थे और रोड पर लड़कियों को छेड़ा करता था वो बुढ़ापे में इसे क्या पता चला मस्जिद से जो भी जुड़ा हुआ वो एहतराम वाला है हमारे और आपका आदमी नहीं है नौकर नहीं है घर पे बीवी से झगड़ा हुआ आगे गुस्सा उतार दिए इमाम साहब पर बेटे से झगड़ा हुआ इमाम साहब पर उतार दिए उतारते नहीं कितने ख़ादिम साहब पर उतार देते जबकि ख़ादिम साहब का मसला क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस सही बुखारी वाली किताबुल जनाइज़ में वन थ्री थ्री सेवन भाई वो आदमी कहाँ बोले मर गया वो औरत कहाँ है बोले मर गई अरे कहा नहीं बताया दफना दिए दुल्लू नहीं अलग कब्री चलो हमको कबर बताओ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कबर पर जाके गायबाना जनाजे की नमाज़ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खादिम साहब की शान बढ़ा दी तो मामूली काम नहीं है पर तो भाईओ मस्जिद के सिलसिले में हम और आप फिक्रमंद जिससे जो हो पाता है वो कोशिश में लगा रहे अगर ऐसा करेगा तो उसका बड़ा फ़ायदा है ये चंद बातें मैंने आपके सामने मुख्तसर तौर पर रखी है ये ज़मीन खरीदी गई है आप ही लोगों के लिए बोझ आपने उठाना आपने कोशिश करना आपने लगाना जिससे जो हो सके वो कोशिश करे अगर ऐसा कोशिश करता है तो उसका बड़ा फ़ायदा इनशाला फिर किसी और मुनासिबत से हम आपसे गुफ्तू करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तेरे घर का ये काम है तू ही पाए तकमील तक पहुँचा दे और बेहतरीन दुआ जो इब्राहीम वसलाम और इसमाइल वसलाम ने की है रब बना तकब्बल मिल्ना इन नक तमी ए हमारे रब तू हमसे कबूल फरमा लें तो सुनने वाला और जानने वाला है वाहदावानी वलनबीना मोहम्मद वाल वसाम वसलम आलकमल वबरक